लेकिन कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस मैं अभी अभी उठ जागी हूँ, अभी अभी इसलिए मैं जगी हूँ कि बहुत जोर की आवाज़ आई है इनका कि क्या हो गया। और आप भी देखोगे ना तो दंग हो जाओगे कि भाई क्यों रखे हो आप इसको। तो गाइस यहाँ पे देखो बनी है, ये रहा बनी। और मम्मी जी तो पार्क गई हैं और मैं अब भी उठी हूँ यार। अभी बज रहे हैं 6:30 बज रहे हैं, लेट से कल आई थी दीदी, यहाँ से गई थी तो लेट से आई हूँ मैं। और मेरी बहनी भी आई हुई है तो ब्लॉग आगे बढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना इस बनी पे ना, बहुत आ रहा है इस बनी पे बहुत। आजकल बदमाश इतना हो जा रहा है ना कि क्या बताऊँ, बहुत बदमाश हो जा रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ, जो इसने हरकतें की है ना कि क्या बताऊँ मैं, इतनी हरकतें की है, इतना नुकसान पहुँचा दिया ना ये। मैं आपको दिखाती हूँ, ब्लॉग में बने रहो आप लोग, ठीक है। इसे चोरी छुपे जा रही हूँ, तो मैं इसको लेकर जाऊँगी तो बीवी चला जाएगा। तो गाइस ये देखो ये क्या किया, ये जाजिम को ना चीर फाड़ दिया है। ये देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अभी मम्मी जी को तो पता नहीं है, आएंगे मम्मी जी तो देखना कितना स्पीड आटेंगी। ये देखो ये बेडशीट कॉटन का था, वैसे पतला हो गया था लेकिन ये लड़का आके फाड़ दिया, क्योंकि नाखून होता है ना इसके डॉग की सबके, तो इस नाखून से ना ये सारे फाड़ दिए ये। तो ये बच्चे सोए हुए हैं और मेरे पति देव भी यहाँ पे सोए हुए हैं। तो यही था भाई, नुकसान कर दिया हमारा बेडशीट का। हाँ चाय बना देते हैं, क्या हुआ भाई? बनी गाइस यहाँ पे हमारा पूजा वूजा खाना पीना सब कुछ हो चुका है, और यहाँ पे हमारा काम वाम चल रहा है। सोफा का कवर बन रही है और हमारी हमारी सब जो भी चीज़ें रंगाई पुताई हो रही है, तो उन लोगों के लिए चाय बना रही हूँ मैं। और आज सुबह में जो किया था ना, बड़ी बड़ी गुस्सा आया मम्मी जी को भी मुझे भी। और सुबह सुबह तो मैं डर गई थी, इतना जोर से चिल्लाए ना कि मैं बोली क्या हो गया भाई क्या हो गया। तो फिर कह रहे हैं कि ऐसे से बात है नहीं, तो भाई सब इसके लिए इतना जोर से चिल्लाना क्या जरूरत है। फिर वो ऐसा है ना कि चिल्लाना ही पड़ता है, वो चिल्लाए वो कुछ करता भी नहीं है वो। तो फटाफट मैं चाय बना लेती हूँ और लाइव स्ट्रीम आ रही हूँ। प्लीज़ आप लाइव स्ट्रीम मैं इंजॉय करना। और आपको पता ही है मैं बाबा बोलती हूँ, लाइव स्ट्रीम में आती हूँ सुबह के 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक आती हूँ, और रात को आती हूँ मैं 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आती हूँ। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, पतिदेव भी खा लिए हैं, इसी का ब्रेकफास्ट किया है, तू भी ब्रेकफास्ट की है, और मम्मी जी भी खा चुकी हैं। तो भाई फटाफट चाय लोगों को बना के मैं दे देती हूँ। चाय मुझे ना बिल्कुल बनाने का मन नहीं करता है, मैं अपने खुद के लिए भी चाय बनाने का मन नहीं करता है, तो ठीक है। भाई जी देखो कितना बदतमीज लड़की होती जा रही है। मैं खाना निकाल रही हूँ और ये कह रही है कि आप खाना बनाओ खाओ। बताओ ये कोई बड़ी वो ये क्या चीज है, खाना नहीं खाओगी तो भी चल ठीक है ठीक है ठीक है। इशिका ऐसे बदतमीजी नहीं करते ना यार, यार छुट्टी हो गया ना स्कूल का तो मैं आधे भी दिमाग खराब होता है सबका, मतलब की सुन सुन के मैं खाना निकाल रही हूँ इसके लिए। तो बोले खाना खा लो, तो सुबह का ब्रेकफास्ट किया है आलू के पराठे बट ब्रेकफास्ट किया है, तो मुझे खा ले। अब वहाँ पे कुहू भी सोई हुई है, अभी उठाएंगी उसको तो अभी खाना खाएगी वो भी। मैं फटाफट चाय भी देना है, अभी चाय भी बनाया है। बहुत ही टेंशन है लाइफ में यार, बहुत लोग कहते हैं ना कि बच्चे तो इजी होता है, बच्चों तो इजी नहीं भाई, पहले जमाने के बच्चे ना कुछ छोड़ ही जाता है, जाओ कुछ भी करो अपना, मैं पहचान देती हूँ लोगों को। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं। अभी यहाँ पे चना भूज रही हूँ, काला चना होती है वो भूज रही हूँ, नाश्ता करूँगी शाम को। और आज इतनी गर्मी है ना, पता है दिल्ली में कितनी डिग्री है, 44 डिग्री है आज।
को 44 मन तो कह रहा है कि किचन में आने ही मतलब आना ही बेकार है उसके साथ। तो फटाफट चना भूज देती हूँ और बर्तन कुछ खाली कर देती हूँ वैसे, और कुछ बर्तन बाकी है और मैं अभी तक खाना भी नहीं खाई। कह रहा कि पराठा खाई थी सुबह में नाश्ता में, और पराठा वैसे हैवी हो गया था मुझे तो भारी भारी से लग रहा है। तो अब दूसरे के बाद मैं खाऊंगी चना और चावल खाऊंगी, दूसरा के साथ मूली के साथ नहीं खाऊंगी, चावल के साथ खाऊंगी। तो अभी मैं फटाफट भेजती हूँ अब बनी के देखो। बनी मेरा बच्चा क्या हो गया, क्या देख रहा है बनी? यार तो ठीक है।